सुनचुरी जिला जंगी चापा की सूर्यनारायण थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत देवनी में बीती रात अज्ञात चोरों ने शासकीय उचित मूल्य की दुकान से हजारों का राशन चावल सकर्च कर ले उड़े। मौके पर सुबह सूर्यनारायण पुलिस पहुंच छानबीन कर रही है। पूरी घटना जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत देवरी की घटना है, जहां बीती रात अज्ञात चोरों ने मुख्य मार्ग पर स्थित उचित मूल्य की दुकान से दरवाजा का कुंडी को तोड़कर 28 कट्टी चावल और 1 क्विंटल 32 किलो शक्कर लगभग 16,000 रुपए के राशन सामान पर हाथ सब कर दिया है। सुबह दुकान के सेल्समैन गोविंद कर्स को खबर लगते ही उन्होंने सूर्यनारायण पुलिस को फोन कर चोरी की घटना के बारे में अवगत कराया। खबर मिलते ही थाना प्रभारी एमएम मिंज तत्काल अपने टीम को लेकर रवाना हुए और पूरी घटना की जानकारी अपने उच्च अधिकारियों को दी और तुरंत मौके पर पहुंचे। फिर पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा खंगाला शुरू किया। शक के आधार पर क्षेत्र के आदतन अपराधियों को पकड़कर पूछताछ जारी है और जल्द ही असली मुजरिम को पकड़े जाने की बात पुलिस कह रही है। इसमें भी गोविंद प्रसाद कर्स प्रबंधक शासकीय उचित मूल्य का दुकान देवरी की तरफ से एक आवेदन पत्र पर लिखित आवेदन पत्र पर रिपोर्ट दर्ज की गई। इसमें अपराध क्रमांक 83/20 धारा 457-380 कायम किया जाकर विवेचना की जा रही है। इसमें जांच के दौरान यह पता चला कि शासकीय उचित मूल्य का दुकान का वो ताला कुंदा तोड़ करके अंदर घुस करके 14 कट्टा चावल और एवं एक क्विंटल करीबन शक्कर जो है अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी कर ले जाया गया है, जिसकी भी जांच की जा रही है और यथासंभव प्रयास किया जा रहा है कि इसको भी हम लोग अज्ञात चोर को पकड़ने का प्रयास करेंगे और जो चोरी गया माल को बरामद करने की कोशिश किया जाएगा। टोटल जुमला करीबन 16,227 रुपये का कीमती का सामान चोरी चला गया है, जिसको बरामद करने के लिए यथासंभव प्रयास पुलिस के द्वारा की जा रही है। क्या नाम? गोविंद प्रसाद कर्स। गोविंद जी, क्या घटना हुआ है? सर, यह चोरी हुआ है 14 तारीख को दरमियानी रात चोरी हुआ है यहाँ पर, जिसकी जानकारी मुझे सुबह दिया गया है। सुबह 6:01 में तेज कुमार साहू के द्वारा फ़ोन करके बताया गया कि आपके गोदाम का ताला टूटा हुआ है और उसका कुंडा निकाल लिए है और दरवाज़ा खुला हुआ है। उसके बाद संजीव कुमार खोटे जी जानकारी दिए कि दरवाज़ा खुला है, साहब आप कहाँ हो? मैं बोला कि घर में हूँ। फिर सवेरे आया, उसके बाद प्रबंधक को बुलाया, सरपंच को बुलाया, कोटवार को बुलाया, सभी यहाँ एकत्रित होकर के सब देखे तो कुंदा टूटा हुआ मिला, चावल और शक्कर यहाँ से निकला हुआ पाया गया। कितने मात्रा में निकला हुआ पाया है? चावल गिनती करने पर पता चला सर कि 28 कट्टी 14 कुंटल और शक्कर 1 कुंटल 31 किलो जो स्टॉक में बचा था पूरा शक्कर को पूरा ले गया है। तो इसकी जानकारी मैं सबसे पहले प्रबंधक, मैं और सरपंच और कोटवार मिल करके थाने में गए। थाना जा करके वहाँ लिखित में सूचना दिए। सूचना के पश्चात आज सुबह लगभग 11 बजे राणा जी और उनके एक सहयोगी साथी मिल करके आए और यहाँ का पता सही के जानकारी उनके लिए और लेने के बाद फिर वापस थाना मुझे बुलाया गया था, जिसका FIR दर्ज करना है करके, परंतु अभी तक नहीं हो पाया है।